सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। सो आज के डिफेंस न्यूज के एपिसोड में हम बात करेंगे आज की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज फॉलो अवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। भारत में बनेगी पहली 3 नौसेना परमाणु हमले वाली पनडुब्बियां। भारतीय नौसेना का 6 स्वदेश परमाणु हमले वाली पनडुब्बियां रखने का प्रस्ताव पहले कुछ प्रमुख रक्षा आधुनिकीकरण प्रस्तावों में से एक था, जिसे 2014 में सत्ता में आने के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी थी। रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण के लिए सरकार की बोली को एक बड़ा बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा बनाई जाने वाली पहली 3 परमाणु हमले वाली पनडुब्बियों का निर्माण 95% भारत में किया जाएगा। सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी 3 परमाणु हमले वाली पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के नौसेना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसे विशाखापट्टनम में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा बनाया जाएगा। एक अलग परियोजना में अरिहंत श्रेणी परमाणु ऊर्जा के चलते वाली पनडुब्बियां बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने की क्षमता के साथ बनाई जा रही है। परमाणु हमला पनडुब्बियों परियोजना स्वदेशी पनडुब्बी क्षमता के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगी, क्योंकि इसका 95% भारत में बनाया जाएगा। यह निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों सहित घरेलू रक्षा क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा देगा। सूत्रों ने कहा है कि यह परियोजना अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत मददगार होगी, क्योंकि इससे रक्षा क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। नौसेना और DRDO को पहले इनमें से 3 नावों के लिए मंजूरी मिलेगी और इस परियोजना के पूरा होने के बाद 3 और नावों का निर्माण का विकल्प होगा। भारतीय नौसेना का 6 स्वदेशी परमाणु हमले वाली पनडुब्बियां रखने का प्रस्ताव पहले कुछ प्रमुख रक्षा आधुनिकीकरण प्रस्तावों में से एक था, जिसे 2014 में सत्ता में आने के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी थी। कुछ देरी के बावजूद भारत स्वदेशी पनडुब्बियां निर्माण क्षमताओं के क्षेत्र में बड़ी प्रगति कर रहा है। पहली अरिहंत श्रेणी की नाव कुछ साल पहले चालू की गई थी और दूसरी INS अरिघाट भी समुद्री परीक्षणों से गुजर रही है और निकट भविष्य में इसके चालू होने की उम्मीद है। भारत की 24 पनडुब्बियों का निर्माण की योजना है, जिसमें 6 परमाणु हमले की क्षमता वाली पनडुब्बियां शामिल हैं, जो हिंद महासागर क्षेत्र में काम करने के लिए लंबी टांगे देंगी और लंबी दूरी पर अपने विरोधियों को काबू में रखने में मदद करेगी। कलावती श्रेणी परियोजना के तहत मुंबई में पहली 6 पारंपरिक नावें पहले से ही निर्माणाधीन है, जबकि अगले 6 के लिए अधिक क्षमता वाली निविदा रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में मंजूरी के तुरंत बाद जारी की जाएगी। प्रोजेक्ट 76 के तहत 6 और पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण की योजना है, लेकिन इसे शुरू में लंबा समय लगेगा। भारत 1990 के दशक से परमाणु हमले वाली पनडुब्बियों को भी पट्टे पर दे रहा है, जिससे उसे ऐसी नावों के संचालन पर चालू रहने में मदद मिलती है। इस वर्ष G7 एजेंडा और भारत के लिए इसमें क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी 12 और 13 जून को आमंत्रण द्वारा शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन और अन्य प्रतिभागियों के लिए शिखर सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें भारत के लिए क्या है, खासकर जहां तक टीकों का संबंध है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में वस्तुतः भाग लेंगे। इस साल का एजेंडा में क्या है? G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान शामिल हैं। UK वर्तमान में राष्ट्रपति पद पर है और उसने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत के शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया है, जो भौतिक और आभासी भागीदारी का एक संकर गवाह है। विषय बिल्डर बैक बेटर है और UK ने अपने राष्ट्रपति पद के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की रेखांकित किया है। भविष्य की महामारियों के खिलाफ लचीलापन मजबूत करने हुए कोरोना वायरस से वैश्विक वसूली के नेतृत्व करना, मुक्त और निष्पक्ष व्यापार का समर्थन करने, भविष्य की समृद्धि को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और ग्रह की जैव विविधता का संरक्षण करना और साझा मूल्यों को और खुले समाज की हिमायत करना। नेताओं से उम्मीद की जाती है कि वे स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देने के साथ महामारी से वैश्विक सुधार और आगे के रास्ते पर विचार के आदान प्रदान करेंगे। भारत ने कितनी बार इसमें भाग लिया है? 2014 में के बाद में यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री G7 बैठक में भाग लेंगे। भारत को 2019 में G7 फ्रेंच प्रेसिडेंसी द्वारा बियराइट्स शिखर सम्मेलन में सद्भावना भागीदारी के रूप में आमंत्रित किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु, जैव विविधता और महासागरों के और डिजिटल परिवर्तन पर सत्रों में भाग लिया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान भारत ने G8 शिखर सम्मेलन में 5 बार भाग लिया
मार्च 2014 में क्रीमियम के विलय के बाद रूस को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। G8 को G7 में घटा दिया गया। ब्रिटेन ने जहां इस साल भारत को आमंत्रित किया, वहीं अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में पिछले साल मई में निमंत्रण दिया था। G7 को बहुत पुराना समूह कहते हुए ट्रंप ने कहा था कि वह भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस को सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के समूह में शामिल करना चाहता है। ट्रंप ने सुझाव दिया था कि G7 को G10 या G11 कहा जाए और प्रस्तावित किया था कि समूह सितंबर या नवंबर 2020 में मिलते हैं, लेकिन महामारी और अमेरिकी चुनाव परिणाम के कारण ऐसा नहीं हुआ। इस साल यूके के निमंत्रण के बाद मोदी के यूके की यात्रा करने की उम्मीद थी, लेकिन देश के में महामारी में स्थिति के कारण यात्रा रद्द कर दी गई। किसी को क्या देखना चाहिए, यह राष्ट्रपति बिडेन को यूरोप की पहली यात्रा होगी जहां वह अपने मुख्य संदेश अमेरिका वापस आ गया है का संकेत देंगे। उन्होंने शिखर सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और अन्य सहयोगिता से मुलाकात की। वह दो दिन बाद जिनेवा में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत से पहले 14 जून को ब्रसेल्स में नाटो सम्मेलन से भाग लेने जारी रखेंगे। ब्रिटेन ने पहले क्वाड के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका, इसका उद्देश्य वैक्सीन उत्पादक में वृद्धि करना और बीजिंग को और अपनी स्थिति को सुरक्षित करना है। G7 से आगे ब्रिटेन ने दुनिया के कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा की। अमेरिका 500 मिलियन फाइजर बायोनटेक खुराक दान करेगा, जिसमें कोई इल्तार संग्रह नहीं है। शिखर सम्मेलन में 2022 के अंत तक दुनिया के टीकाकरण करने से के अभियान के हिस्से के रूप में शुक्रवार को गरीब और मध्यम आय वाले देशों के कोविड के टीकों की 1 अरब खुराक की घोषणा करने की भी उम्मीद है। राष्ट्रपति बिडेन ने इंग्लैंड में एक भाषण में कहा, यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारी मानवीय दायित्व के बारे में है, जितना हम कर सकते हैं उतने लोगों को जान बचाने के लिए। USNSA जैक सुलिवन ने कहा कि G7 इस महामारी को जल्द से जल्द खत्म करने में मदद करने के लिए एक व्यापक योजना पर एक और संयुक्त घोषणा करेगा। बिडेन जॉनसन बैठक में क्या हुआ, दोनों नेताओं ने गुरुवार को 80 साल पुराने अंटार्कटिक चार्टर के एक नए संस्करण पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि वे रूस और चीन का सामना कर रहे हैं। नए चार्टर साइबर हमले, कोविड-19 और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित होंगे। यह वैश्विक साझेदारी को दिए गए महत्व का संकेत देता है, जो ट्रंप के अमेरिकी फर्स्ट नीति को एक बदलाव है। बिडेन पुतिन बैठक क्यों महत्वपूर्ण है, अमेरिकी रूस संबंध खराब दौर से गुजर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बिडेन पुतिन की बैठक के का स्थान जिनेवा वह जगह है जहां 1985 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रिगान ने सोवियत संघ के मिखाइल गोर्बचेव के साथ अपनी पहली बैठक की थी, लेकिन आज दोनों पक्ष आमने सामने नहीं हैं। जबकि वाशिंगटन के खुफिया तंत्र का मानना है कि पुतिन ने 2020 में चुनाव के हेराफेर करने और बिडेन के राष्ट्रपति बनने की संभावना के नुकसान पहुँचाने का उद्देश्य से अधिकृत संचालन किया। ब्रिटेन प्रशासन ने रूस के खिलाफ विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी की हैकिंग और जेलिंग के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें भारत के लिए क्या है, भारत ने लंबे समय से आधुनिक भू राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबंधित करने के लिए वैश्विक संस्थानों और समूहों में सुधार का आह्वान किया है। G7 का विस्तार करने के ट्रंप का प्रस्ताव नई दिल्ली के वैश्विक उच्च तालिका का हिस्सा होने के विचार में फिट बैठता है। एक मुखर चीन के साथ अमेरिका सभी समान विचारधारा वाले देशों के बीजिंग से निपटने में भागीदार बनने के लिए बुला रहा है। अगर बाइडेन और जॉनसन 10-11 देशों का वैश्विक गठबंधन बनाने की दिशा में काम करना चाहते हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत होगा। चूंकि भारत टीकों की भारी कमी का सामना कर रहा है, नई दिल्ली अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए जाने वाले आवंटन पर नजर रखेगी। पिछले हफ्ते अमेरिका ने कहा था कि वह भारत को वैश्विक वैक्सीन साझा करने की रणनीति के हिस्से का रूप में टीके वितरित करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाशिंगटन DC में प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की थी, जबकि बिडेन ने घोषणा की। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत सहित अन्य देशों के टीका उपलब्ध कराने की वाशिंगटन की योजनाओं के बारे में मोदी को फोन किया था। एक अमेरिकी बयान में कहा गया था कि बिडेन हैरिस प्रशासन जून के अंत तक वैश्विक स्तर पर कम से कम 80 मिलियन टीकों को साझा करने के ढांचे का हिस्से के रूप में देशों को पहले 25 मिलियन खुराक साझा करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है कि भारत को अमेरिका से सीधा और साथ ही कोवैक्स के माध्यम से टीके मिलने की संभावना है। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि भारत की पहली किस्त में लगभग 2 से 3 मिलियन टीके मिलेंगे। मास्को के साथ वाशिंगटन के तालमेल से नई दिल्ली के बेहद राहत मिलेगी, क्योंकि अमेरिका तब चीन का पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जबकि ऐसा करना आसान कहां जाता है। रूस को बीजिंग से दूर करना वर्तमान भू राजनीतिक में गेम चेंजर हो सकता है।
सो अब बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। DRDO सेट अप 500 बेड्स कोविड हॉस्पिटल इन श्रीनगर इन जस्ट 17 डेज। 3 इंडियन फर्म्स टू गेट टेक ट्रांसफर अंडर इंडियन रशिया ज्वाइंट टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। सेंटर अप्रूव्स सपोर्ट ऑफ ₹498.8 करोड़ टू बूस्ट इनोवेशंस इन डिफेंस सेक्टर। BRO लिंक्स टू मोर सेंसिटिव एरियाज विद रोड ब्रिज ऑन चाइना बॉर्डर। सो आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।